हेलो, वेलकम टू मूवी कुछ अटके। आज मैं जिस अटके मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो साउथ इंडिया की एक ऐसी मूवी है जिसमें ना तो लव स्टोरी है, ना हॉरर है, ना ही वो क्राइम सस्पेंस मूवी है, ना ही वो पॉलिटिशियन मूवी है। और उस मूवी का नाम है घातक रात, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। घातक रात के जो मैंने लीड रोल एक्टर है वो है कार्तिक जयराम और अनुपमा अनुपमा नाम करके कुछ। तो इस स्टोरी का जो मेन कंसेप्ट होता है वो वाकई अलग है, क्योंकि ना तो मैंने पहले बताया उसी तरह कि लव स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं है। इस मूवी के अंदर बताया गया है एक गरीब परिवार जिसके अंदर एक माँ है, उसका हस्बैंड है और उसकी एक बेटी है, जो कि बहुत गरीब स्थिति में एक गाँव में रहते हैं। और एक पंडित आता है उनके घर और वो बोलता है कि कुछ ही दिनों में तुम लोगों के पास लक्ष्मी जी का मेहरबान होगा, तुम लोगों के पास इतने रुपये आएंगे कि तुम उम्र भर उसको आराम से अपनी रोटी खा सकते हो। लेकिन वो रुपये आपके पास तभी आएंगे जब आप उसको सही तरीके से ले पाओगे। और इतना कहने के बाद वो तो चला जाता है, लेकिन उनके घर में एक मेहमान आता है। मेहमान मतलब एक ऐसा आदमी जो घूमने का शौकीन होता है और जिसको एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरे जगह घूमने का शौक़ होता है। वो उनके घर एक रात रुकने के लिए कहता है कि रात बहुत हो गई है, मतलब रात होने वाली है और मेरे को एक रात के लिए यहाँ पे शरण चाहिए, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये थोड़ा उनको अटपटा तो लगता है, लेकिन उनकी बात भी सही थी और वो अकेला भी था, इंसानियत के नाते भी वो उनको अपने घर पे पनाह तो दे देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब तब उनके घर वालों को पता चलता है कि इस आदमी के पास ऐसा बैग है जिस बैग के अंदर सोने चांदी और रुपये पैसे हैं, और यदि उनको वो उनका परिवार ले ले तो उनका परिवार आराम से उम्र भर खा सकता है। यानी कि पंडित ने जो बात कही थी वो बात सही हो सकती है। तो और वो उनको मतलब जो मेहमान आता है उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। तो क्या वो उनको मार पाएंगे या नहीं, मारेंगे तो पुलिस के हाथों उनका परिवार, पुलिस के हाथों उनका परिवार की डेथ होगी, पकड़े जाएंगे या नहीं, उस आदमी के पास वो रुपये कहाँ से आई, कुछ चोरी करके आए या फिर उसकी खुद की कमाई थी, क्योंकि उसने कहा था कि ये मेरी कमाई के रुपए है, लेकिन इतने रुपए कमाई के नहीं आ सकते। और जिस हिसाब से वो रुपए उड़ाता है उस हिसाब से तो लगता ही नहीं है कि वो उसकी कमाई के है। तो क्या वो उसको रुपये उसके पास कहाँ से आए, कैसे आए, मारने के बाद क्या होगा, इन सब सवालों का जवाब देने का काम करेगी ये मूवी आपको घातक रात। पर्सनली ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का क्लाइमैक्स तो काबिल तारीफ है, और मूवी के अंदर जो शुरू शुरू में छोटी छोटी बातें बताई गई थी उसका क्लाइमेक्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है। तो आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखना, ये मूवी बहुत ही अटके है। और मैं वैसे ही मेरे वीडियोस में मूवी जो अटके होती है वही लेके आता हूँ। तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।